Hello, Mr. Kalpesh. Welcome to Dubai. Thank you. How are you doing today? Fine. Good. So how do you feel about Dubai market, and especially with the MAC, about investing from the investor point? What I think, the market is very good here. The trade is like Indian trade. Only the difference is the quality of the construction and the growth, and it's an international market. So appreciation would be the more. The support of government, support of the people, support of the local agencies are good, and a very professional market. So it's good market for the investors. They can invest here. Indians can, and it's a safe zone. So the money is safe, people are safe, cleanliness is there. And particularly about the Damac, these people are, these are the committed people. They are delivering on time. They are giving qualities, they have a brand, they have a branded products, and they take a good layouts, they have a good architects. So it's good community living. So people can invest in the MAC, they will get definitely an appreciation, and someone want to stay here or want to keep it as a weekend home, they can. It's a good property. Yes. So as an investor perspective, do you think most of the Damac units, so let's talk about into a detail, ki villas zyada invest karenge ya apartments mein zyada invest karenge? What I think, the Indian mentality, most of the people, they prefer land, buying a land with villa. So always land is a non-producible product. So jo bhi produce nahi ho sakta hai, uski kimat badhegi. तो वो एक मेंटालिटी रहती है कि भाई जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा उसका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा. प्रेफर्ड पीपल विल प्रेफर्ड अ विला, बट इफ दे हैव अ बजट. अदरवाइज इफ समवन हैव अ लेस बजट, दे कैन गो फॉर द अपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट. और अपार्टमेंट का मेरे हिसाब से रेंटल वैल्यू जो है वो विला से ज़्यादा आता है. एग्जैक्टली. सो दोनों चीज़ सोच सकते हैं कि आपको रेंटल यील्ड ज़्यादा चाहिए या आपको अप्रिशिएशन ज़्यादा चाहिए. पर अभी इन्वेस्टर नज़रिया से अपन देखा गया तो, क्योंकि दमाक में अपार्टमेंट्स भी हो रहा है, टाउन हाउसेज भी हो रहा है विद अ कम्युनिटी लेवल, लाइक दे आर कमिंग अप विद अ ह्यूज 42 मिलियन स्क्वायर फीट का जो कम्युनिटी बन रहा है, विच इज़ दमाक हिल्स 2. सो अगर उसके नज़रिया से इन्वेस्टर के हिसाब से देखा गया तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं देखो, पहली चीज़, दमाक इंडिया में लोग जानते ही हैं कि दमाक इज़ अ गुड ब्रांड इन दुबई. और दूसरा, अगर इतना बड़ा कम्युनिटी डेवलप हो रहा है एंड इट्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, एग्जैक्टली, तो अप्रिशिएशन आना ही है. ये किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है तो उसका प्रोडक्ट दुनिया में किसी भी देश में कब बिक रहा है उसको पता नहीं. बिल्कुल. तो और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उसमें अगर ये जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट होने में देर भी नहीं लगेगी और उनको प्राइस मिल भी जाएगा. जी. सो आई थिंक दमाक हिल्स, और जो अभी मैंने दमाक में हमारी जो मीटिंग हुई और हमने बात किया, उस हिसाब से इट्स अ सुपर मार्केट ऑफ रियल एस्टेट. दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट और अ सिंगल एरिया. इन्वेस्टिंग इन दमाक विल ग्रो, एंड वंस यू एंटर इन, तो आपको एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, दे विल डिलीवर और आपको अप्रिशिएशन मिलता जाएगा. अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, कमेंट्स मींस, ओवरऑल मेरे को दुबई का मार्केट अच्छा लगा, इसीलिए मैं दुबई आया कि मेरे को वहाँ से ज़्यादा कुछ बिजनेस करना है और ज़्यादा प्रोफेशनल करना है. तो नियरेस्ट फ्रॉम इंडिया अगर कोई अच्छा मार्केट है जो इंटरनेशनल मार्केट है, दैट इज़ दुबई. क्योंकि इसका लाइक इवन इफ एनीवन वांट्स टू ट्रैवल ऑन अ बिजनेस, तुरंत 2.5 hours में यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ, वो यानी सो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर एन इन्वेस्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा. यू गेट रेडी, यू कम ऑफ, यू डू द डील्स, यू साइन द डील्स एंड देन यू लीव. यानी आप अगर हम मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो आप अहमदाबाद से बेंगलोर जाओ या अहमदाबाद से दुबई आओ, सेम इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ऑलमोस्ट द सेम. सो टाइमिंग का बहुत, डिस्टेंस का बहुत इशू नहीं है. फ्लाइट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लग्जरी है, फैसिलिटीज है, सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें प्लस हैं, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे
इंडियन इन्वेस्टर्स आएंगे. ओनली द थिंग इज वैल्यू ऑफ मनी और अ करेंसी. एग्जैक्टली. ओके, बट अगर आप जिस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी करेंसी में आप कमा लोगे तो वो फिर आगे जाके लंबा डिफरेंस नहीं रहेगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच कल्पेश जी, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू. थैंक यू सो मच.